क्या अडानी को 5-5 एयरपोर्ट जो है वो दे दिए गए, जबकि नियम 2 का था, ठीक है, वो नियम जो है अडानी जी के लिए बदल दिए गए। आपको नहीं लगता कि विमान की तरफ कुछ आप ज्यादा दान दक्षिणा जो है सरकार के नियम 2 बिल्किस बानो का जो मुद्दा है वो कब से चला आ रहा है, लेकिन उसके रैपिस्ट को और हत्यारों को रिहा कर दिया गया, ऐसा क्यों सर? बीजेपी सरकार ने क्यों सर? बिल्किस बानो के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए, जो उनको आप माला पहनाते हैं, क्या बात करते हैं आप? रैपिस्ट को आप सरकारी बुलाइएगा, शर्मानी चाहिए आपको। खिलाफ मुकदमा कर दे, कर देना। आप ये जो मटक मटक के बोलते हैं, आप क्या करने के लिए बैठे हैं सरकार में? आप भाई ऐसे झुंझुना बजाइए, आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही हो, उम्र बढ़ रही है आप, ये मेरे नहीं शब्द है, आपके आका कहेंगे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। उनको ताली बजाने दीजिए, कहे तैर रही है आके, हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर, आप तैर रही थी तो दिख गए। नहीं नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, किसी की बात नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से, सत्ता में आप और गृह मंत्री जी चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी को, क्यों? उसका कारण यह है कि राहुल गांधी जी भारत के लोकतंत्र के बारे में विदेश में जाकर बोल चुके हैं। अच्छा, 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सदन में करीब 40 मिनट अडानी पर बोला। मोदी जी की एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में बैठकर थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। 40 मिनट की स्पीच थी, उस स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दिए गए। एप्लीकेशन विड्रॉ होती है, 8 हियरिंग होती है, 23 मार्च को फैसला आता है और 23 मार्च को ही लोकसभा राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देता है। इसको अंग्रेजी में या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसका एक ही नाम है फिक्स्ड मैच रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। आपको एक केस चाहिए था जिसमें 2 साल की सजा हो। बात तो सही है, हिंदुस्तान के न्यायालयों में अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इस मामले में 2 साल की सजा मिली हो। कि ये जो पिक्चर है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता कर दिए, और इसलिए कर दिए क्योंकि उनको समझ में आ गया अगली बार भी जब राहुल गांधी जी बोलेंगे सदन में तो अडानी पर बोलेंगे। और कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ मीडिया सेल की हेड सुप्रिया सिनेट और बीजेपी की राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी भाजपा की इस महा इतिहासकार उर्फ महाज्ञानी प्रवक्ता को लाइव डिबेट पर ही कांग्रेस प्रवक्ता ने बख्या उठा। दरअसल ये डिबेट हो रहा था कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को देश की गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया चुनौती, इसी मुद्दे को लेकर हुई थी ये बहस, जहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता ये बार बार आरोप लगाता हुआ दिखा गया कि अडानी जी को लेकर क्यों मोदी जी म्यूट। अडानी जी के नाम सुनते ही सुधांशु त्रिवेदी को साफ सुन गया और यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट ने भी बीजेपी की डोकलापन को देखकर पूछा सुधांशु त्रिवेदी से सवाल। मोदी जी ने देश के कानून को तक पे रखते हुए क्यों अडानी जी को देश की संपत्ति एक के बाद एक दिए जा रहा है। स्टूडेंट की ये सब सवाल सुन के बौखलाने लगा भाजपा की यह प्रवक्ता, फिर 1975 में चले गए। उसकी इस रवैया को देखकर कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको लाइव डिबेट में ही धज्जिया उड़ा दिया। देखिए आप इस वीडियो में, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे वीडियो। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, हम अडानी के हैं कौन और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है, क्यों है? राहुल गांधी के प्रश्नों से आप लोग डर गए हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये साजिश रची उनके खिलाफ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या वहीं से शुरू करते हैं, हम अडानी के हैं कौन? इंदिरा गांधी जी 1975 में हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप में सदस्यता खारिज कर दी गई थी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। अरे राहुल गांधी को आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, बकिया आप क्यों उधेड़ेंगे, इसलिए इस पर जवाब नहीं दिया आपने। प्यारी समझ गई। राहुल गांधी जी आज तक संसद में कितना उनका बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? एवरेज है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज है? 40 मिनट का तो भाषण बता ही रही है उस दिन दिया, उसमें से आपने कई हिस्से। और एक आपको बात बता दें, संसद की प्रोसीडिंग में ध्यान रखने की बात है, फोटो या पोस्टर दिखाना वहां की नियम के विरुद्ध है, इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीज दिखाएंगे वो ये लॉ कहता है कि वो एक्सपेंज कर दिया जाए, और वो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना के जमाने से लॉ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो, और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है तो सारी सरकार मौन धार लेगी और कहां चले जाएंगे, राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी जो हम और आज आप यहां पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में ये नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे? मेरा अभी भी एक सवाल है,
अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमामों जगह एकाधिकार है उनका, उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने पीछे से अपने राज्य में प्रधानमंत्री, एक मिनट, इस देश के प्रधानमंत्री और इनकी सारी सरकार झुंझुना बजाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई है। सब कुछ जो करना है वो राज्यों को कर ले, ये झुंझुना बजवाएंगे और ताली बजवाएंगे, बस यही इनका काम है। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बता दीजिए, इतने आक्षेप लगे हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बातें मत करिए। अगर आक्षेप में सब्सटेंटिविटी हो तो होनी चाहिए या ना? कोई जांच में सब्सटेंटिविटी हो तब होनी चाहिए ना? नहीं बता हाँ ना बोलता, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अडानी पर घेरो सर, गला सूखने। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना, जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर विपक्षी पार्टी उम्मीद कर रही है जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कराइए, और उसके बाद 2000 आपको क्या ये डर लग रहा है? 2001 में जब स्टॉक मार्केट खत्म हुआ तब आपकी सरकार की, 2003 में भी जेपीसी हुई आप ही की सरकार में जब पेस्टिसाइड्स वाला केस, सॉफ्ट ड्रिंक केस हुआ, तो अब क्यों नहीं करा रहे? क्या दिक्कत है? करा दीजिए, अगर आप इतने ही सत्यवानी है तो करा दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और एक और सही जवाब देते हैं, देखिए ये कह रहे हैं जेपीसी करा दी जाए, किसके आधार पे? क्योंकि सेबी, एसबीआई, एलआईसी ने तो नहीं कहा है। बता दें ये क्लॉज, मैं विचार करने को तैयार हूं, बताइए। अरे भाई फॉरेन कंपनी को बुला ही नहीं सकते, इतना तेज बनाइए, पानी पीजिए थोड़ा। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अडानी जो है वो ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है, उगल सकते नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र है। बीच में मत बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी के मित्र, उनको ताली बजाने दीजिए, काहे तैर रही है, हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अच्छी बात है, जाओ बच्चे, आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर, आप तरेर रही थी तो दिख गई। नहीं नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, किसी की बात दिख गई, आप तरेर रही थी तो दिख गई। अब सुनिए मेरी नजर अपने पर रखिए, आंखों पर नहीं, अरे सामने वाले पर रखिए, मत रखिए। क्या है कि ये हड्डी है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, निगल सकते नहीं है क्योंकि सारा देश वही सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार से घिरे आरोपों के एक व्यक्ति के बचाव क्यों कर रही है। मैं नहीं बताऊंगा, अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है कर दीजिए। जेपीसी काहे होश फाकता हो जाते हैं, क्यों गला सूखने लगता है जेपीसी के नाम से? आपको पता है मोदी जी ने कहा था कि वो लाल आंखें दिखाएंगे चाइना को, लाल आंखें दिखानी चाहिए, झूले पर पींगे ले रहे हैं और जब लाल आंखें दिखाने का वक्त आया तो मोदी जी लाल शर्ट पहन के खड़े हो गए जी हजूरी करने के लिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये देखिए महाबल्लीपुरम में नारियल पानी पियेंगे और जब आया जाबाजों की शहादत का बदला लेने का वक्त तो आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इक्के दुक्के ऐप बैन कर दिए, लेकिन चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना के साथ। जवाब, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। $100 बिलियन का, एक तरह से हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लो और अतिक्रमण करो। जवाब, ये कह रहे हैं इक्के दुक्के ऐप बंद कर दिए। ये बताइए आईफोन 14 पहला आईफोन है जिसमें 25% भारत में बने हैं, ये चाइना से शिफ्ट होके आया है। डेटा तो आप ही का है $100 बिलियन का, उसका जवाब दे दीजिए। क्या बच्चों को बरगलाते हैं हर बार पे? ये हुई ना बात, $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कैसे हुआ उसका जवाब दीजिए, उसका भी जवाब दे। जलेबी मत बनाइए, अरे जलेबी का जवाब दीजिए, जलेबी में झूला झुलाते हैं, आइए झूला झुलाते हैं। अरे झूला ये झूल रहे हैं, झूला ये झूल रहे हैं प्रभु, झूला आपके आंखें झूल रहे हैं। ये देखिए मोदी जी, मैं बता रहा हूं, चीन जी के साथ झूला झूल रहे हैं। आप स्टूडेंट वैसे हैं जो दूसरा पढ़ लेता तो कहते काहे इतना पढ़ रहे हो, सब आ जाएगा, हो जाएगा मैनेज, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है जिसको सब जानकारी होती है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कैसे आया? जवाब, रिपीट हो रहा है, अब स्लाइड के साथ साथ रिपीट भी हो रहा है भाई, वो टेप रिकॉर्डर। जवाब सुनिए, आप सुनिए, महाबलीपुरम जानते क्यों ले गए थे मोदी जी? आपको पता है महाबलीपुरम पानी पीने? सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है, पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गवा बैठते हैं। बवासीर एक आम समस्या है। बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर आक्षेप था, ना नीरव मोदी ओबीसी है ना ललित मोदी ओबीसी है। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है, कल परसों रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं,
ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। तू समझा? हाँ। ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है, आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा। और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो बयान मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। इतने गद्दे और घटिया किस्म के इंसान हो। आंखें बंद करिए और अमित मालविया का नाम बताइए, क्या आता है आपके मन में? और क्या है बीजेपी आईटी सेल? क्या है फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री? उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिखकर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। गजब बेइज्जती है। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं तीन बार बोल गए कि मैं इन सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। अब कोई भारत के बारे में सोच सके कुंभकर्ण के नाम को? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइए, आप दिखाइएगा अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बने। अरे भाई तब से क्या, हम तो कह रहे हैं मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाए। एक मिनट अंजना जी, नहीं एक मिनट रुक जाइए, इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया, ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़, उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। वंस मोर कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे, तो झूठ की दुकान आपकी है। देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद हो गई देख कमीने की। झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं, आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की बातें मत। अच्छा, ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं, ये तो तुम सोच रहे हो, इसलिए इतना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। आप तो इतने सच्चे हैं कि ठंड है नहीं, लोगों की उम्र बढ़ रही है इसलिए ठंडक लग रही है। हाँ भाई कैसी लगी? बादल आ गए तो रडार देख नहीं अच्छा, पाएगा। ये ऐसे ऐसे उम्र तो राहुल गांधी के 50 के ऊपर हो गई भाई, युवा है के मालिक है भैया। मोदी जी कहते हैं बादल आ गए तो रडार नहीं देख पाएगा। और क्या आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, उम्र बढ़ रही है आप? ये मेरे नहीं शब्द है, ये आपके आका कहेंगे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्होंने अगर बाहर जाके कोई मान हानि मामला उन पे दर्ज हुआ, फिर उन्हें तुरंत ही के कुछ सालों बाद मतलब केस चला और उनकी पार्लियामेंट मेंबरशिप रद्द कर दी गई। लेकिन बिल्किस बानो का जो मुद्दा है वो कब से चला आ रहा है, लेकिन उसके रेपिस्ट को और हत्यारों को रिहा कर दिया गया, ऐसा क्यों सर? बहुत बढ़िया। बीजेपी सरकार के लिए क्यों सर? बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो 14 साल जेल काट के आए, फिर में हजारों लड़कियों कहा गया दिमागी नहीं, नैतिक दिवालियापन है, नैतिक दिवालियापन है। एक औरत होने के नाते मैं कह रही हूँ आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे दुख होता है, आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे बड़ा दुख होता है। खोपड़ी तोड़ साले का, ये लोग हमारे सार्वजनिक जीवन के लोग हैं जो आज बिल्किस बानो के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए, जो उनको आप माला पहनाते हैं, क्या बात करते हैं आप? आपके एमएलए कहते हैं, आपके एमएलए कहते हैं वो संस्कारी है, क्या बात करते हैं आप? रेपिस्ट को आप संस्कारी बुलाइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म कर शर्म। इन्होंने हर व्यक्ति का जो एनसीएलटी के माध्यम से अडानी को एसेट मिला उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई थी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्यों ऐसा करते हैं ये, पूछिए इनसे ये बात। इनके यहाँ फेयर में L1 वो हो गया जिसके पीछे ईडी और सीबीआई थी, कितना बढ़िया तर्क दिया कि इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में समझ में नहीं आया। बताइए आप क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए, उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा राजस्थान सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिया, झुंझुना बजाएंगे।
कैंसिल नहीं करिए तो हाथ उठाइए, ऐसा झुंझुना बजाइए। 9 साल से बजा रहे अभी और। अरे तीन तीन सूजी से है क्या? अडानी को 5-5 एयरपोर्ट जो है वो दे दिए गए, जबकि नियम 2 का था, ठीक है? वो नियम जो है अडानी जी के लिए बदल दिए गए। आपको नहीं लगता कि यजमान की तरह कुछ आप ज्यादा जान दान दक्षिणा जो है सरकार के नियम 2? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जिस जमाने में एयरपोर्ट इनके जमाने में दिए गए तो कहा जाता था जिसके पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस हो बताइए। दोनों कंपनियों के पास था एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस, दिल्ली बॉम्बे दिया गया था, पूछो। अरे आपके नियम बनाते समय जो रूल था उसको आपने रातों रात बदला। मैं आपके नियम की बात कर रहा हूं। अपने मंत्रालय के अगेंस्ट जाकर आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों ने लिखित में कहा था ये गलत है, आपने वो रूल बदला, इसको आप इस सत्य को नहीं नकार सकते, पूछेगा अपने मंत्री से जाकर। पीएम भी कह रहे हैं 24 से पहले विपक्ष और विदेशी लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोल रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर, इस तस्वीर में कौन कौन है? नरेंद्र मोदी जी के साथ 40% पेसीएम बोम्मई, येदियुरप्पा, ललित मोदी, जॉब स्कैम करते हुए सुवेंदु अधिकारी जो अब ऐसी वॉशिंग मशीन से ऐसी गंगा में गोता निकल के आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ऐसा सर्फ जिससे सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। समझ रहे हो आप? इसमें इनके साथ गौतम अडानी परम मित्र हैं, इसमें इनके साथ हेमंत बिस्व शर्मा है, उनके ऊपर सारदा स्कैम था, इसमें इनके साथ, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। अभी मेघालय में चुनाव हुआ, कॉनराड सांगमा को इन्होंने बोला चुनाव होते ही स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का टास्क फोर्स गठित करेंगे, इतने भ्रष्टाचारी हैं। चुनाव होते ही तुरंत पहुंच जाते हैं सांगमा के साथ सरकार बनाने के लिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसमें इनके साथ नारायण राणे और रघुवर दास है, एजेंसीज इनके खिलाफ कब एक्ट करेंगी अंजना जी? ये भी तो सवाल पूछना चाहिए ना, इन सबके खिलाफ केसेस है। आपने सुना इनको किसी केस के लिए, किसी सुनवाई के लिए बुलाया गया, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। चौगुना हुआ है ईडी का केस 2014 के बाद, और 95% केसेस विपक्ष के खिलाफ है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अपने लुटेरे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो लोग देश छोड़ के भाग गए उनको आप वापस नहीं बुला ला रहे हैं। आप मेहुल भाई करते रह गए, इंटरपोल ने नोटिस ही विड्रॉ कर ली। आप मेहुल भाई करते रह गए, ललित मोदी ऐसा चोर जो इस देश का भगोड़ा है वो विदेश से धमकी दे रहा है सांसद को, एक पब्लिक लाइफ के फिगर को, ये आपने चोरों का हौसला बढ़ाया है, क्या बात करते हैं आप? ये हुई ना बात। मेहुल भाई, ललित मोदी, नीरव मोदी, सब इनको चकमा देकर भाग जाते हैं, ये बेचारे हाथ मलते रहते हैं। विजय माल्या का मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था, मगर आपकी संस्तुति के बाद मुझे वो लोन मिल गया है, ये धन्यवाद ज्ञापन का लिखित में प्रमाण अवेलेबल। रुक, तेरे को बता देती हूं। विजय माल्या ने जब देश छोड़ के भाग रहा था तो एक थैंक यू सर्टिफिकेट सबसे पहला अरुण जेटली जी को लिखा था। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ लगातार विपक्ष चिट्ठियां गई प्रधानमंत्री कार्यालय में, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको क्यों भागने दिया गया? जवाब दो। अब आ रहा था तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा कर देना। आप ये जो मटक मटक के बोलते हैं, आप क्या करने के लिए बैठे हैं सरकार में? आप सरकार में क्या करने के लिए बैठे हैं? तो कुछ नहीं, देखो भैया, के खिलाफ भी मुकदमा हम कर रहे हैं, नीरव मोदी जो भाग गया उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, तो आप क्या करने के लिए बैठे हैं? जलेबी बनाने के लिए। एजेंडा कुछ है या बस यही चलता रहेगा फुटबॉल? कुछ है? हमारा एजेंडा तो बहुत साफ है, तीन चीजें, अडानी को जन कल्याणकारी कार्य के तो जो साहब हम किसी से मिलते नहीं है, इनके गले पे हाथ नहीं रखते। हमारा जो बंदा था वो 3500 किलोमीटर चल रहे थे और अजनबियों से मिल रहे थे, युवाओं से मिल रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, वृद्धों से मिल रहे थे, उनके हौसले बढ़ा रहे थे और इस देश को जोड़ने का काम कर रहे थे, जिसको बार बार खंडित करने का काम आप करते हैं। क्या बात है, क्या बात। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, और हमारा एक एजेंडा ये है कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें इन युवाओं के लिए रोजगार हो, जिसमें महंगाई कम हो, और जिसमें वैमनस्यता और नफरत फैलाने वाला इनका बाजार बंद हो और मोहब्बत की दुकान खुले। हमारा सिर्फ ये एजेंडा है। क्या बात है। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर दोनों भाई बहन कश्मीर में जिस प्रेम पूर्ण सानिध्य पूर्ण माहौल में बर्फ के गोले फेंक रहे थे, मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए, वहां आर्मी के सामने पत्थर फेंके जाते थे। ऐसी कृपा करी मोदी जी और शाह जी ने जम्मू कश्मीर में कि ये व्यक्ति धांधली करके पीएमओ का अधिकारी बनकर जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेकर मिलिट्री बेसिस में घूम रहा है। ये आपने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, छोटा सा जवाब, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ किया है कि हर पोर्ट में अडानी चीनी को लेकर घूम रहा है, और आप अडानी और चीन का नाम लेने की हैसियत नहीं रखते हैं, असलियत ये है। क्या बात है।
आप कुछ कहेंगे उस पे? चीन ने 11 जगहों का परसों अरुणाचल में नाम बदला है, आप कुछ कहने की हैसियत रखते हैं? प्रधानमंत्री जल्दी से जवाब दीजिए, नाम बदला आखिरी लाइन, आखिरी लाइन सुनिए, आखिरी लाइन आपकी। अरे वो सिर्फ नाम बदलने की हैसियत पे रह गया, आपके जमाने में तो नक्शा बदल दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।